Hey guys, it's Manik here and welcome back to the channel. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रिसोर्सेज के बारे में जो एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं एंड जो भी रिसोर्सेज को मैं यूज़ करता हूँ बिकॉज मैं बोथ ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग भी करता हूँ तो ये इन सारे रिसोर्सेज को मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ सो लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो विदाउट एनी फॉर द डीले सो गाइज यहां पर मैंने ऑलरेडी सारे वेबसाइट्स को लोड कर दिया जो आपको एज अ ट्रेडर एज वेल एज एन इन्वेस्टर हेल्प जरूर करेंगे सो फर्स्टली ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को चार्ट की जरूरत होती है सो माई फेवरेट वेबसाइट फॉर चार्टज ट्रेडिंग ब्रोकर इंटीग्रेशन लेते हैं बिकॉज ट्रेडिंग बेसिकली प्राइस एक्शन पे मेनली ट्रेड करता हूँ so वॉचलिस्ट देखने को मिल रहा है आप बहुत सारी चीजें लोड कर सकते हो जो भी आपको वॉचलिस्ट में रखना है अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लोगे आपको मल्टीपल वॉच बनाने का भी ऑप्शन जरूर रहेगा राइट right? यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन्स वर्टिकल लाइन्स जो भी आपको यहाँ पर चाहिए ऑब्वियसली फीबोना चीज एंड एक्सेट्रा जो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करने को डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए बेसिकली ब्रश है हाईलाइटर है अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है यहाँ पर किसी को कुछ इंडिकेशन देना है अगर आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है आप टेक्स्ट यूज कर सकते हो राइट right? एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है प्राइस रेंज सो अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना ऊपर गया बैंक निफ्टी का चार्ट जो यहाँ पर ओपनड अप है राइट right, सो so आपको देखने का मिल रहा है ट्वेंटी टू परसेंट विच इज ऑलमोस्ट सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी टू पॉइंट्स इतना ऊपर गया है बैंक निफ्टी लाइकवाइज बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो ऑन ट्रेडिंग व्यू राइट लेट्स गो टू आर नेक्स्ट रिसोर्स इज अ ब्रोकर एंड हम दो ब्रोकर्स के बारे में हाँ पर बात करने वाले हैं इज एज एज वेल ग्रो राइट तो बहुत ही बहुत ही आप बोल सकते हो इजी है रिलायबल है एंड इनका यूजर इंटरफेस इज प्रिटी गुड आप ग्रो को भी यूज कर सकते हो जीरोधा को भी यूज कर सकते हो आप एक अकाउंट ट्रेडिंग के लिए रख सकते हो एक अकाउंट इन्वेस्टिंग के लिए रख सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली चेकआउट बोथ ऑफ दीज राइट एंड लेट्स गो टू आर नेक्स्ट रिसोर्स एज अ ट्रेडर ये हमारे दो रिसोर्स हो गए विच इज डेफिनेटली चार्टिंग प्लेटफॉर्म विच इज ट्रेडिंग यू सेकेंडली अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको एक ब्रोकर की जरूरत है चाहे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो राइट लेट्स गो टू आर नेक्स्ट रिसोर्स विच इज अ ट्रेड जर्नल यहाँ पर मोर टूवर्ड्स ट्रेडिंग है आप डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट जर्नल भी बना सकते हो एंड यहां पर मैंने क्या किया हुआ है एक सैम्पल जोरल बना के रखा है राइट सो so, मैं भी कुछ ऐसे ही यूज करता हूँ तो इसीलिए मैंने सिर्फ क्या किया है यही चीज़ यहाँ पर भी आउट कर ली है सो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है इसको आप कैसे इनपुट कर सकते हो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है डेट है क्वांटिटी है एक्सेट्रा राइट सो so, मैं एक

एंड लेट्स मुझे टेन थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ सो so यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया नेट पी एन एल में ओवरऑल पी एन एल को ब्रोकरेज से माइनस कर लिया या ब्रोकरेज या जो भी आपको ओवरऑल ट्रांजेक्शन भी अगर यूज़ करना है यहाँ पर कि मे बी थोड़े से एक्स्ट्रा टैक्सेस कभी कभार लग जाते हैं वो भी चीज़ आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हो दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन राइट लेट्स ए के जो ट्रेड ग्रेड है मैं वन टू फाइव या वन टू टेन रखता हूँ बहुत ही अच्छा अगर मैंने ट्रेड लिया मैं सिंपली उसको अबव सेवन या अबव एट का रेटिंग दूंगा एंड डेफिनेटली लेट्स कि मुझे बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला मेरा सेटअप परफेक्ट था माई रिस्क वॉज इन चेक माई टारगेट्स यू इन प्लेस एवरीथिंग एल्स जो भी रूल्स थे मैंने बेसिकली फॉलो किया एंड मे बी लेट्स अ गुड ट्रेड वेयर नथिंग वेंट रॉन्ग राइट सो ये मेरा एक नोट हो सकता है तो जब भी मैं वापस से लुक बैक करूँगा ट्रेडिंग जर्नल पे तो यहाँ पर मुझे नज़र आएगा एंड मे बी इसको मैं क्या कर दूंगा हाईलाइट करने के लिए मैं इसको यहाँ पर ग्रीन कर दूंगा जो भी चीज़ें गलत हो रही है जहाँ पर ट्रेड्स गलत गए या मैंने रूल्स फॉलो नहीं किए सिंपली वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ एक रेड मार्क कर सकता हूँ सले कि ये एक ट्रेड अगर अच्छा नहीं था इसको मैं सिंपली रेड मार्क कर दूंगा एंड आगे जाके आप फिल्टर कर पाओगे जस्ट विथ योर आइज़ कि यहाँ पर अगर ग्रीन है तो मे बी दैट्स अ गुड ट्रेड तो अगर आपको फोकस करना है कि आप बेटर ट्रेड कैसे ले सकते हो आपको डेफिनेटली ये जर्नल बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा राइट एंड ऐसे ही क्विकली आपके हिसाब से आप थोड़ा सा कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अगर आपको अपना खुद का जर्नल बनाना है so right let's go to our next रिसोर्स विच इज ऑपस्ट्रा दिस इज स्पेशली फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स आपको यहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी एंड दिस इज मैंने क्या ओपन अप करके रखा है ऑप्शन का स्ट्रैटेजी बिल्डर राइट सो लेट्स से कि आप फ्यूचर्स भी ट्रेड करते हो आप डेफिनेटली यहां पर पे ऑफ ग्राफ बना सकते हो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो आप क्या कर सकते हो यहां पर ऑप्शन चूज कर सकते हो वेरियस एक्सपायरीज जो होती है वेरियस स्ट्राइक प्राइस होते हैं आप वहां पर डेफिनेटली आप यहां पर एक पे ऑफ ग्राफ बना सकते हो सो लेट्स से कि मैं यहाँ पर सिंपली एक मार्च एंडिंग का एक स्ट्रैडल बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूंगा स्पॉट प्राइस के हिसाब से मैं मे बी एक शॉर्ट स्टैडल बना रहा हूं राइट right? सो so, मैंने कॉल यहां पर सेल कर दिया एज वेल एज एक पुट यहां पर सेल कर दिया सो so, पर आपको क्या देखने को मिलेगा एक पे ऑफ ग्राफ है राइट सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा मैक्स प्रॉफिट आपका कितना है पॉसिबल प्रॉफिट कितना है मैक्स लॉस इज अनडिफाइंड बिकॉज यहां पर हमने नेकेड स्ट्रैडे लिया हुआ है हमने हेजेस बाय नहीं किए है ब्रेक इवन आपको देखने को मिल जाएंगे नेट क्रेडिट कितना है एस्टिमेटेड मार्जिन एस्टिमेटेड प्रीमियम कितना है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा राइट सो दिस इज अगेन फॉर ट्रेडर्स बिकॉज यहां पर इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा काम नहीं आएगा अनलेस यू हैव टू हैज योर पोजिशंस अगर आपको मे बी जैसे कि अपने स्टॉक्स बाय किए हुए हैं आपको कवर्ड कॉल्स करने हैं या मे बी एक बैरिश स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि मार्केट के डाउन मूव को आप उसका फायदा उठा पाओ तो डेफिनेटली आप ऑक्स्ट्रा को यूज कर सकते हो स्ट्रैटेजी बिल्डर है एंड बहुत सारे फीचर्स है जो आप यहाँ पर डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो ओपन इंटरेस्ट है एफ आई आई डी आई आई का डेटा है फ्यूचर्स में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है ओपन इंटरेस्ट अगेन फ्यूचर्स इंट्रा डे में क्या है फ्यूचर्स बिल्डअप कितना है हीट मैप मूविंग एवरेजेस बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो नेक्स्ट रिसोर्स इज फॉर काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग एंड यहाँ पर ओवरऑल मार्केट मूड अगर आपको देखना है आप क्या कर सकते हो टिकर टेप का मार्केट मूड इंडेक्स आप बेसिकली देख सकते हो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ जब भी मुझे इन्वेस्टमेंट करना है एवरी सिंगल मंथ जब भी मुझे फियर या एक्सट्रीम फियर यहाँ पर देखने को मिलता है आई ट्राई टू पुट सम मनी इन द स्टॉक्स राइट बिकॉज मैं भी एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ I believe both, right? ट्रेडिंग भी करनी चाहिए as well as इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए So this was kind of for investments. आप ticker टेप को भी यूज कर सकते हो आप सिंपली क्या screens, screener भी यूज कर सकते हो राइट सो स्टॉक क्रिस screener है जहां पर आपको मल्टीपल फिल्टर्स यहाँ पर नजर आएंगे चाहे आपको ग्रोथ परस्पेक्टिव से देख रहे हो वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से देख रहे हो बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पर भी आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करने चाहिए ऑल स्क्रीन पे अगर आप जाओगे आपको यहां पर भी बेसिक प्रीमियम एंड एफ एनो की स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएंगे सो so ये एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत हेल्पफुल है ट्रेडिंग के लिए भी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के लिए भी राइट एफ एनो स्क्रीन में अगर आप जाओगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा फ्यूचर्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है लॉन्ग बिल्डअप हुआ है ऑप्शन में क्या बिल्डअप हुआ है कैश एंड कैरी कैंडिडेट्स कौन से हो सकते हैं पॉसिबली इन सारी चीजों के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा सेम वेज प्रीमियम या बेसिक फिल्टर्स इज मोर टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट सो आप ये भी चीज डेफिनेटली यहां पर देख सकते हो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट रिसोर्स विच इज स्क्रीनर डॉट इन ये भी एक स्क्रीनर है जो मुझे काफी अच्छा लगता है यहाँ पर आपको खुद का वॉचलिस्ट भी नजर आ जाएगा एंड लेट से मुझे सारा न्यूज मेरी कंपनीज के बारे में पता लग जाता है टी ने क्या अनाउंस किया पॉलीकैब ने क्या अनाउंस किया कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या अनाउंस किया तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि डिस्पोजल हुए हैं फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर्स के सो ये काफी बड़ा अमाउंट है आपको देखने को मिल रहा है नाइनटी वन का डिस्पोजल हुआ है तो मैं अगर मुझे यहां पर देखने की एक्जैक्टली हो क्या

खुद का परफेक्ट खुद का स्क्रीन भी बना सकते हो अगर आपको चाहिए कि 52 वीक हाई पे कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो क्या होता है मैजिक फॉर्मूला पॉपुलर फॉर्मूलाज कौन से हैं ये सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो एंड एक और अगर आप देखोगे रिसोर्स इज टॉप स्टॉक रिसर्च डॉट कॉम दिस इज मोर गियर टूवर्ड्स ट्रेडर्स एज वेल बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो अगेन यू कैन यूज दिस एज वेल आप प्री स्क्रीन फिल्टर्स भी देख सकते हो इंटर में क्या चल है कौन से स्टॉक्स ऊपर या नीचे जा रहे हैं एंड ऑफ द डे ट्रेंड्स क्या है पी पॉइंट्स हाइज एंड लोज वंस अगेन इन सारे वेबसाइट्स में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो चार्ट पैटर्न पर भी आपको देखने को मिल जाएगा ट्रेंड लाइन अनालिसिस दैर इज सो मच मोर टू ऑल ऑफ दीज वेबसाइट्स जो हम डेफिनेटली सारी चीजें अगर देखने गए तो ये वीडियो चार से पांच घंटे का भी हो सकता है एंड दैट इज वाई आई एम लीविंग इट अप टू यू ऑल टू एक्सप्लोर एवरी सिंगल वेबसाइट जो मैंने यहां पर मैंशन की है अगर आपके पास और भी कोई वेबसाइट है आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स सेक्शन में भी बता सकते हो होपफुली आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से एंड आपने कुछ नया डिस्कवर किया होगा जो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो आपके ट्रेडिंग एज वेल एज़ इन्वेस्टिंग जर्नी में अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक प्ले लिस्ट बना के रखी है मेरे लर्निंग्स पे जो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो एंड मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो एंड डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में